आए दिन मॉल लिमिटेड की ओर से बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है, लेकिन असोस की ओर केंद्र सरकार का कतई ध्यान नहीं है। रेती माफियों, फेरोमैग्नीज प्लांट और मॉल की सीएमडी द्वारा आजीवन सदस्यता का निधि दुरुपयोग आदि बातों की पोल खोल की है हमारे संवाददाता संजय मिरेनो ने। आइए देखते हैं मॉल के कारनामों की ये क्राउन रिपोर्ट। मॉल के सीएमडी द्वारा शहर के एक पंचतारांकित क्लब में आजीवन सदस्यता हासिल करने के लिए मॉल कंपनी के सरकारी निधि का उपयोग किए जाने का मामला सामने आया है। इस मामले में दोषी अधिकारियों की जांच संबंधित मंत्रालय कर रहा है। केंद्र सरकार के कानून डेलीगेशन ऑफ पावर के अनुसार मॉल सीएमडी डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस को मॉल की ओर से किसी भी स्तर के होटल या क्लब में अपनी कंपनी का विज्ञापन प्रचार प्रसार करने हेतु सालाना 1,00,000 रुपए खर्च करना अनिवार्य है। लेकिन 2016 में कंपनी के पूर्व सीएमडी कुंदरंगी द्वारा इसके लिए कंपनी के करीब 15,00,000 रुपए खर्च किए गए हैं। इस खर्च के बदले में पूर्व सीएमडी को निजी रूप से क्लब आजीवन सदस्यता दी गई है। इस मामले में कंपनी ने 30 मई 2020 को इस सरकारी रुपए के दुरुपयोग मामले में संबंधित मंत्रालय से जांच की मांग की है। इस जांच में बाधा डालते हुए वर्तमान केंद्रीय मंत्री व पदाधिकारी अपनी पहुंच का उपयोग कर रहे हैं। फिलहाल इस मामले में संबंधित मंत्री ने भी चुप्पी साधी है। जानकारी के मुताबिक सीपी क्लब में निर्माण किए जा रहे जॉगिंग ट्रैक और वहां पर लगाए जा रहे मॉल कंपनी के विज्ञापन के खर्च के लिए क्लब ने कंपनी की सीएमडी कुंदरंगी को 16,50,000 रुपए का खर्च बताया गया था। सीएमडी कुंदरंगी ने इस नामांकित पंचतारांकित क्लब की सदस्य बनाने के लोभ में मॉल कंपनी के फंड से कुल 15,00,000 रुपए इस निर्माण कार्य के लिए दे दिए, जबकि सरकारी नियमों के अनुसार इस कार्य के लिए सिर्फ 1,00,000 रुपए खर्च करने की अनुमति है। लेकिन सीएमडी कुंदरंगी ने क्लब की आजीवन सदस्यता पाने के लिए कंपनी की निधि का दुरुपयोग किया है। इसके लिए कंपनी के पूर्व डायरेक्टर फाइनेंस मुकुंद चौधरी ने भी इस प्रस्ताव पर अपने हस्ताक्षर कर इसे मंजूरी दी, जिसके बाद मॉल के खाते से 15,00,000 और ठेकेदार अग्रवाल के खाते से 1,15,000 रुपए क्लब को दिए गए हैं। सीएमडी कुंदरंगी द्वारा कंपनी के साथ किए गए धोखाधड़ी की जांच करने की मांग अब संबंधित मंत्रालय से की गई है। मिसेस एलाइड कॉर्पोरेशन को वर्ष 2019 में 1,58,00,000 रुपए का मॉल लिमिटेड के मंसर माइन, कांद्री माइन तथा बेलडोंगरी माइन में रेत सप्लाई करने का वर्क ऑर्डर दिया गया, किंतु ठेकेदार द्वारा रेत सप्लाई का बिल वित्त विभाग नागपुर में दिया गया तो बिल में पाया गया कि रेत के स्थान पर जो रॉयल्टी जमा की गई है वह गिट्टी की है, वह भी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश राज्य की है, जबकि रेत नागपुर जिले के मंसर माइन, कांद्री माइन तथा बेलडोंगरी माइन में रेत सप्लाई करना था। प्रथम जांच में फर्जीवाड़ा को भापते हुए उस समय के वित्त अधिकारी ने बिल पास करने से इनकार कर दिया। तब मॉयल लिमिटेड के उच्च अधिकारियों ने प्राइवेट वित्त अधिकारी की नियुक्ति करके उपरोक्त बिल पास करने की नाकाम कोशिश की गई, जिसकी शिकायत मॉयल के अधिकारियों ने की, जिसके कारण मॉयल के उच्च अधिकारियों ने उन अधिकारियों को या तो हटा दिया गया या तो उन्हें निलंबित कर दिया गया। आए दिन मॉयल के ठेकेदार रेत सप्लाई के बिल तो जरूर वित्त विभाग को दे रहे हैं, लेकिन सरकार की आंखों में धूल फेंकने का काम भी कर रहे हैं। मॉल की यूनियन सेक्रेटरी और सदस्यों ने बीसीएन टीम को जरूरी दस्तावेज पेश करते हुए मॉल के कामकाज पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं। दर्शकों, आए दिन मॉल के बारे में कई बड़ी खबरें अखबार की सुर्खियां बनी हुई है। ऐसे में मॉल ये क्या कामकाज कर रहा है, किस तरह से मॉल के कामकाज है, जिसके चलते सरकार को करोड़ों रुपए का कैसे चुना लगाया जा रहा है, आइए तमाम बातें जानने के लिए इस समय में बीसीएन की टीम खड़ी है। इस समय में हमारे साथ में मॉल यूनियन के जनरल सेक्रेटरी पुरंदा तांडेकर जी, उनसे जानना चाहेंगे। पुरंदा साहब, ये बताए कि जिस तरह से जो रेत माफिया जो है बिना रॉयल्टी दिए हुए सरकार का जो उपक्रम है उसमें धड़ल्ले से जो रेती का कारोबार कर रहे हैं, रेती अवैध तरीके से जो बेचे जा रहे हैं, क्या कहना चाहोगे, कितना उचित है? ये सही बात है आपकी, ये सही बात है कि ये कांद्री माइन, मॉयल की कांद्री माइन, बेलडुंगरी माइन और मंसर माइन, जिसमें मेसर्स अलाइज लिमिटेड कॉरपोरेशन, इन्होंने रेती सप्लाई का ठेका लिया था और उस ठेके में बिना रॉयल्टी, यानी ये सब नागपुर जिले का है, लेकिन उन्होंने कोई रॉयल्टी नहीं देते हुए पेमेंट एचओ में दिया गया है। ये पेमेंट एक अधिकारी ने रोका गया, लेकिन उसकी फर्जीवाड़ा करते हुए बिल पास किया गया।
ये बहुत ही गलत है। बिना रॉयल्टी का पेमेंट देने की कोशिश कर रहे और इसमें बड़े बड़े हस्तियों का, मॉल के सिमडी का, डायरेक्टर का हाथ है। हाँ सर, रेती के बारे में तो यह आपने बात उजागर की, लेकिन जिस तरह से एक बात ये भी देखने के लिए आया है कि जैसे आजीवन सदस्यता जो होती है, सीएमडी ने निधि का दुरुपयोग किया ऐसा भी आरोप लगाया गया, इसमें कितना तथ्य, क्या कहना चाहोगे? सही बात है, इसमें सीपी क्लब नागपुर में जीपी कुंद्रे की जो प्रो सीएमडी थे और वो प्रो सीएमडी को आजीवन सदस्यता के लिए मॉल के फंड से 15 लाख दिया गया और बाकी ठेकेदार के द्वारा पैसा दिया गया 16,25,000 का। ये भी इसमें भी बड़े हस्तियों का हाथ है, मॉल के सीएमडी और डायरेक्टर लोगों का। फिर क्या कहना चाहते हैं? इसकी पूरी जांच होना चाहिए और गवर्नमेंट को हमने भी लिखा है, सीबीआई को भी लिखा है, मिनिस्टर को भी लिखा है कि इसकी जांच हो और इनके ऊपर में कार्रवाई हो। सर, एक बात ये भी देखने में कि जिस तरह से गुमगांव माइन हो या डोगरी की जो माइन है, वहाँ पे मैग्नीज का एक प्लांट बनाने की बात जो कही गई थी, जिसके लिए 100 एकड़ की जगह भी खरीदी की गई और 200 लोगों को रोजगार भी दिया गया है, ऐसे में लोगों का तो अच्छा हुआ है, फिर माइन की, इसमें माइन की भूमिका संदिग्ध क्यों दिखाई देती है? केंद्र सरकार के द्वारा सेल, मॉयल और निगम लिमिटेड, इस्पात निगम लिमिटेड, ये तीनों के साझेदारी से एक फेर प्लांट खोलने का गवर्नमेंट ने मंजूरी दिया था, लेकिन कुछ दिन के बाद ये तीनों के जो साझेदार जो उद्योग था उसमें से दोनों हट गए, तो भी मॉयल के अधिकारियों ने 100 एकड़ जमीन खरीदी गई और 200 लोगों को रोजगार दिया और लाखों करोड़ों रुपए का चूना लगाया गया। इसकी भी जांच सीबीआई के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, मिनिस्टर के द्वारा होना चाहिए और उच्च अधिकारी जो माइल के अधिकारी उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? पुरंदास लटारू तांडेकर, सेक्रेटरी जनरल राष्ट्रीय मैग्नी मजदूर संघ। तो आप थे पुरंदा तांडेकर जिन्होंने बखबीर बेबा के साथ बात करते हुए ये कहा कि मॉइल के किस प्रकार के कामकाज है और मॉइल ने जिस प्रकार से चाहे गुमगांव की या डोंगरी, ये यहाँ पे जो एक फेरो मैग्नीज की जो कंपनी लगाना था, जो कामकाज करना था, उसके लिए 100 एकड़ की जमीन तो जरूर खरीदी की, 200 लोगों को रोजगार भी दिया गया, मगर हकीकत तो ये है कि वहाँ ना कोई प्लांट है ना ये है, ऐसे में मॉइल कहीं ना कहीं सरकार की आंखों में धूल तो नहीं झोंक रही है? ये एक देखने वाली बात होगी, जिस तरह से केंद्र सरकार का इस ओर ध्यान नहीं है और मॉइल अपनी शाही कर रही है, हिटलर शाही कर रही है, ऐसे लोगों का कहना पड़ा है। इसके अंदर सही क्या है, गलत क्या है, ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन एक बात तो तय है कि जिस प्रकार से मॉइल के जरिए ये जो कामकाज किए जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के आंखों में धूल फेंकने वाली बात ही साबित हो रही है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहोड़ के साथ संजय मीरा, BCN न्यूज़ नागपुर।